परमानेंट ब्लो ड्राई मतलब ब्लो ड्राई कैसा था, आउट ब्लो ड्राई किया है ना, आउट ब्लो ड्राई में कैसा लुक आता है, ऊपर की तरफ थोड़ा सा घुमा हुआ रहता है, आउट ब्लो ड्राई मतलब ऊपर की तरफ घुमा होता है, इन ब्लो ड्राई नीचे होता है, स्ट्रेट ब्लो ड्राई स्ट्रेट होता है, ठीक है, आउट ब्लो ड्राई थोड़ा ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। तो परमानेंट ब्लो ड्राई में वैसा ही लुक आएगा, आउट लुक आएगा, आउट ब्लो ड्राई का जो लुक होता है वो लुक आएगा। अच्छा, इसमें जो स्ट्रेटनिंग क्रीम और स्पा क्रीम दोनों जो मिक्स करके अप्लाई कर रहे हैं, तो स्टार्ट करने से पहले जो हम लोग परमानेंट ब्लो ड्राई स्टार्ट करेंगे उससे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखा था, नेचुरल ग्रेजुएशन हेयर कट, 90 डिग्री में हेयर कट करेंगे, ठीक है, जिसको स्टेप या लेयर कट, स्टेप कट करेंगे पहले। और कट करने के पहले जो भी क्लाइंट को करेंगे उसको बोल देंगे पहले कि ये इफेक्ट आपका दो कट रहेगा, दो से तीन कट, या आप जितना कम लेंथ काटेंगे आपका ब्लो ड्राई का लुक, परमानेंट ब्लो ड्राई का लुक उतना ज़्यादा दिन स्टे करेगा, मतलब जैसे कि। और ये कौन सा हेयर टेक्सचर पे होगा, जिनका हेयर नेचुरल ग्रेजुएशन कौन सा हेयर टेक्सचर पे होता है, वेवी हेयर, ठीक है, वेवी हेयर पे परमानेंट ब्लो ड्राई होगा, स्ट्रेट हेयर पे ये नहीं होगा, और जिनका बहुत कर्ली हेयर है उस पर भी नहीं होगा, जिनका हेयर वेवी हेयर है उनका हेयर पे परमानेंट ब्लो ड्राई होगा। वेवी हेयर का टेक्सचर कैसा होता है, जैसे कि तो परमानेंट ब्लो ड्राई जो होगा वो वेवी हेयर पे ही होगा। अच्छा, जब हम लोग क्या क्या मिक्स कर रहे हैं, क्रीम स्ट्रेटनिंग क्रीम कितना परसेंट, 60% और 40% मतलब हो गया 100%, मतलब 60% स्ट्रेटनिंग क्रीम होगा और 40% स्पा क्रीम होगा। दोनों को क्या करेंगे, बोल में लेंगे, मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद अप्लाई करेंगे। अप्लाई कैसे करेंगे, कहाँ कहाँ अप्लाई करना होगा, रूट छोड़ना होगा, थोड़ा सा रूट छोड़ना होगा, जैसे कोई भी स्ट्रेटनिंग क्रीम या कोई भी केमिकल यूज़ करेंगे तो क्या करेंगे, रूट्स को छोड़ना पड़ता है, थोड़ा सा रूट छोड़ेंगे, ठीक है, रूट्स छोड़ के अप्लाई करेंगे। ये जो है ये क्रीम अप्लीकेशन है जो अभी लिखाया था, ठीक है ना, छोटा सा डमी बना के लिखा था ना एक, तो अभी ये है क्रीम अप्लीकेशन, ठीक है, कहाँ तक किया, लेंथ छोड़ दिया, एंड लेंथ का एंड छोड़ दिया, ये वाला क्या है नेचुरल रहेगा, सिर्फ रूट से लेके मिडिल तक, रूट से मिडिल तक एंड का छोड़ देंगे, ठीक है। तो क्रीम का प्रोसेस कहाँ तक का हो रहा है, जहाँ जहाँ क्रीम अप्लीकेशन हुआ है वहीं उसका प्रोसेस होगा, क्या होगा, इसका बॉन्ड जो ब्रेक होगा वो जहाँ पे क्रीम अप्लीकेशन हुआ है वहीं पे होगा, जहाँ नहीं हुआ है वो कैसा रहेगा, वो नेचुरल रहेगा, ठीक है। इसके बाद क्रीम का प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा, इलास्टिसिटी चेक करेंगे, वॉश करेंगे, आयरनिंग करेंगे, ब्लो ड्राई करेंगे, ठीक है, उसके बाद न्यूट्रलाइजर अप्लाई करेंगे। इसका प्रोसेस ख़त्म हो जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे लास्ट में क्या किया है, सीरम अप्लाई करने से पहले आउट ब्लो ड्राई किया, तो हम लोग इसको आउट ब्लो ड्राई करेंगे। जब हम इसको एक शेप देंगे तो ये कैसा आएगा, इस टाइप का आएगा, आउट ब्लो ड्राई, ठीक है, हाँ ना। प्रोसेस कहाँ तक का हुआ है, प्रोसेस क्रीम लगा है यहाँ तक, मतलब यहाँ तक, समझ में आ रहा है, ये क्या हुआ स्टेट हो गया, ये क्या हुआ कल्स, वेवी है, तो कल्स कैसा होता है, ऊपर की तरफ जब हम ब्लो ड्राई करेंगे तो ये ऊपर की तरफ ही रहेगा, ठीक है, मतलब जहाँ से हम लोग क्रीम लगाया है ये तो स्ट्रेट हो गया, और जो स्ट्रेट नहीं हुआ वो कैसा होगा, ऊपर की तरफ घूम जाएगा, वो हो गया ब्लो ड्राई के लुक में, ठीक है। तो परमानेंट ब्लो ड्राई ऐसे ही होता है, रूट से मिडिल तक क्रीम अप्लीकेशन होगा, एंड का जो हेयर का एंड होता है उसको छोड़ देंगे, रूट्स पे क्रीम नहीं लगेगा, नहीं रूट्स इन द सेंस एकदम स्कैल्प पे क्रीम नहीं लगेगा और लेंथ पे क्रीम नहीं लगेगा, वो देख लेंगे कर्ल्स के हिसाब से कि कितना कर्ल्स हो रहा है उसका, उससे पहले हेयर कट करेंगे नेचुरल ग्रेजुएशन, ताकि ये वाला जो लुक है ये कहाँ से, अगर नेचुरल ग्रेजुएशन करेंगे तो यहाँ से लुक स्टार्ट होगा, कर्ल्स यहाँ का हेयर का एंड यहाँ आएगा, मतलब ये एंड पे क्रीम अप्लीकेशन नहीं हुआ है, जैसे ये वाला लेंथ है नेचुरल ग्रेजुएशन कट किया ये, तो इसका लेंथ यहाँ आएगा, तो इसका अप्लीकेशन कहाँ तक हुआ, यहाँ तक हुआ, ये क्या होगा यहाँ से घूमेगा, यहाँ का हेयर कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, इसका क्रीम यहाँ तक अप्लाई हुआ, इसका एंड क्या होगा, यहाँ घूमेगा, नेचुरल ग्रेजुएशन का कट का देखा है ना लेयर्स कैसा आता है, तो पूरे हेयर का एंड पे अगर क्रीम नहीं लगेगा तो सब क्या होगा, ऊपर की तरफ घूम जाएगा, वही हो गया, हाँ ताहले उठा हो जाएगा, स्मूथनिंग जैसे लिखा है प्रोसेस, तब तक वो पूरा स्मूथनिंग हो जाएगा। स्मूथनिंग में इसमें डिफरेंस क्या है, स्मूथनिंग में इसमें डिफरेंस क्या है, आउट ब्लो ड्राई का डिफरेंस है, और क्रीम क्या क्रीम का डिफरेंस है, स्पा क्रीम इसके साथ मार्क्स, इसके साथ 40% मार्क्स अप्लाई हुआ, मतलब स्ट्रेटनिंग का जो स्ट्रांगनेस है, स्ट्रेटनिंग का जो प्रोसेस है उसको स्लो करता है ये, उतना डैमेज नहीं करता, ठीक है, इसलिए ये वाला बाल जो है स्ट्रेटनिंग के जितना स्ट्रेट नहीं होगा, क्योंकि इसमें स्पा क्रीम मिक्स किया हुआ, ठीक है, इसीलिए वो उतना ज़्यादा इसका जो बॉन्ड है वो उतना ज़्यादा ब्रेक नहीं होगा, ठीक है, तो इसमें वॉल्यूम रहेगा ब्लो ड्राई की तरह, और स्ट्रेटनिंग क्रीम की वजह से, न्यूट्रलाइजर की वजह से, आयरनिंग की वजह से हेयर पे साइन भी आएगा। अच्छा, ये स्टे करेगा सिर्फ दो से तीन कट क्यों, अगर हम अभी आउट परमानेंट ब्लो ड्राई किया और अभी क्लाइंट का हेयर कट हम कर दिया, तो हेयर कट कहाँ होता है,
एंड पे होता है, अगर हम इसको कट कर देंगे तो ये क्या होगा, निकल गया लेंथ, स्ट्रेट हो जाएगा। इसीलिए हम लोग परमानेंट ब्लो ड्राई करने से पहले क्या किए थे, हेयर कट किए थे, ताकि क्लाइंट को 2-3-4-5 महीने तक का वो कट रहे और वो ब्लो ड्राई का इफेक्ट रहे। समझ में आ रहा है? अगर क्लाइंट को मैंने ब्लो ड्राई कर दिया और क्लाइंट को लगा कि मेरा बाल बहुत बड़ा हो गया, इतना बड़ा बाल मैनेज नहीं हो रहा, और वो बोलेगा अभी मेरे को कट करना है, तब क्या हो जाएगा, ब्लो ड्राई का लुक चला जाएगा उसका, फिर वो स्ट्रेट हो जाएगा। तो कटिंग से, ब्लो ड्राई से पहले कटिंग करेंगे, ताकि एक तो ब्लो ड्राई का प्रॉपर लुक आए और दूसरा ज़्यादा दिन तक का वो ब्लो ड्राई का लुक लेके स्टे कर पाए हेयर पे। और थर्ड हुआ ये, दो से तीन कट ही रहेगा, मतलब दो से तीन कट अगर उसको कट हो जाएगा, एंड्स का कट हो जाएगा, तो जहाँ से स्ट्रेट किया हुआ, जहाँ से क्रीम अप्लीकेशन किया हुआ, वो लुक खत्म हो जाएगा, स्ट्रेट आ जाएगा। तो क्लाइंट को हम लोग बोलेंगे 2-3 कट। अब वो चाहे 2-3 कट आप महीने में 2 बार कर लो, या 3 महीने में 3 बार करो तो 3 महीने चलेगा, या आप 6 महीने में 1 बार करो तो वो 6 महीने में अगर 1 बार करते हैं, या 3 महीने में 1 बार करते हैं तो 6 महीने में 2 बार हुआ तो 6 महीने 8 महीने तक का आपका चलेगा, और अगर एक साथ कर लेते हैं तो खत्म हो जाएगा। इसीलिए उसको पहले कटिंग करेंगे, उसके बाद ब्लो ड्राई करेंगे। ये क्लियर हुआ ना, समझ में आया?